नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पीएनसी के हथियार बंद कर्मचारियों का पत्रकार पर जानलेवा हमला। बता दें कि कवरेज कर रहे पत्रकार के साथ एसडीएम के सामने मारपीट हो गई, जहां बमीठा थाने में पत्रकार ने लिखित आवेदन दिया है। बमीठा थाना के अंतर्गत चल रहे फोर लेन से संबंधित अतिक्रमण की कार्रवाई को कवरेज करने गए पत्रकार देवेंद्र चतुर्वेदी पर पीएनसी के कुछ कर्मियों ने जानलेवा हमला बोल दिया। जानकारी के अनुसार छतरपुर से बमीठा फोर लेन का काम बड़ी तेजाई के साथ चल रहा है, जहां पीएनसी के कर्मचारी मनमाने तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। लोगों को मुआवजा की राशि मिली नहीं है और उनके अतिक्रमण के नाम पर लगातार लोगों को बेघर किया जा रहा है, जिसका विरोध लोगों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। परंतु जिला प्रशासन की तानाशाही कार्रवाई के चलते प्रशासन की देखरेख में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाए जाने पर कवरेज करने गए देवेंद्र पत्रकार को पीएनसी के हथियारबंद कर्मचारियों ने मारपीट कर दी और उन्हें मौके से हटा दिया। यहाँ पर पीएनसी वाले बमीठा का काम, यहाँ पर मकान तोड़ने के लिए बमीठा आए थे, तो हम कवरेज कर रहे थे वहीं पर। तो हम कवरेज करने जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के उन्होंने कहा कि आप कौन है, तो मैंने कहा भाई साहब मीडिया से हैं, और मैं अपना कार्ड भी लिए था, मैंने कहा मीडिया से हूँ, कवरेज कर रहा हूँ। तो उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। मैंने कहा भाई साहब धक्का क्यों दे रहे हैं, आप मकान तोड़िए, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूँगा। उन्होंने सीधा मारना पीटना शुरू कर दिया। यहाँ की बंदूक की बट मेरे यहाँ पर छाती में भी 3-4 बंदूक की बट मारी। अब उनके पास असलाहा कहाँ से आया, बंदूक लेने का उनको आदेश किसने दिया, वो बंदूकधारी कहाँ से आए वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन पीएनसी के जो यहाँ पर काम देख रहे हैं अजय सिंह, जब मैंने उनसे, एसडीएम साहब भी वहीं थे, मैंने एसडीएम साहब से कहा कि सर इस प्रकार से हरकत हो रही है, एसडीएम साहब ने भी उसका विरोध किया कि उन्होंने कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। एसडीएम साहब उनके पास आए, लेकिन तब तक वो मुझे इतनी बुरी तरह से मार चुके थे, यदि बमीठा के लोग ना आते हैं, इन मंजू जैन और इन्होंने मुझे आके बचाया, अगर ये लोग ना बचाते तो शायद वो मुझे मार ही देते। मुझे पहली बार लगा कि मैं मर भी सकता था। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि अकेले दुकेले यदि आप मिलोगे तो सीधा आपको जान से मार दिया जाएगा, यदि मीडिया के साथ भी सर ऐसा होगा तो फिर जिस तरह से कल एसडीओपी के साथ हुई एक घटना हुई, आज आपके साथ हुई। बिल्कुल सर, जब पुलिस और प्रेस दोनों सुरक्षित नहीं है, किससे अपील, किससे, कौन अपनी फरियाद किसको सुनाएगा, या तो पत्रकार को सुनाएगा या पुलिस को सुनाएगा। कल एसडीओपी साहब पे हमला, आज मुझ पे हमला, और उन पर तो ठीक है, मुझ पर सर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके निशान आप देख रहे हैं, गले में भी आप देख रहे हैं, गला भी मसकने की कोशिश की गई, छाती में भी बंदूक के बटे मारी गई। सर मेरे साथ में तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। नहीं तो जिस तरह से हालात हो रहे हैं, गंभीर नहीं है ये, बहुत ही गंभीर है, और ये सोचने वाली विषय है। सोचने वाली बात पुलिस अधीक्षक महोदय को है कि उनके जिले में रहते हुए भी इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।